हमारे साथ एमएसएमई बदलाव कॉन्क्लेव में लखनऊ में मौजूद हैं आनंदी अग्रवाल, जो चेयरपर्सन है विमेन एंटरप्रेन्योर सेल इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की। मैम वेलकम आपका सबसे पहले तो। थैंक यू सो मच जी। और मेरा सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि एमएसएमईज में जो भागीदारी है विमेन्स की, वो फिलहाल कितनी है? देखिए, एमएसएमई हमेशा से एक मेल डोमिनेंट सेक्टर रहा है, क्योंकि शायद हम छोटे पर से देखते चले आ रहे हैं ना कि बाहर के काम करने की जिम्मेदारी मेल हमारे मेल काउंटर पार्ट्स की होती है और घर संभालने की जिम्मेदारी महिलाओं की होती है, आई थिंक। लेकिन अब समय काफ़ी बदल चुका है, एजुकेशन सिस्टम में चेंज आया है, जिसकी वजह से आज महिलाएं आगे बढ़ रही हैं और अपने आप को निरंतर साबित कर रही हैं। ये वुमेन्स को अक्सर एक वीकर सेक्स की तरीके से समझा जाता है कि अगर वो कोई बिजनेस चला रही है तो वो हॉबी के पर्पज़ से चला रही है या शौकिया काम कर रही है, लेकिन असलियत में पैसा कमाने और घर चलाने के एस्पेक्ट से अगर कोई बिजनेस हो रहा है तो वो मेल काउंटर पार्ट्स कर पा रहे हैं, जो कि अब बदल रहा है आज के सिनेरियो में। तो मैम आपको क्या लगता है कि आने वाले 5 सालों की, अगर मैं 10 सालों की भी बात करूं, तो आने वाले एक डेकेड में कितना बदल जाएगा ये और कितना बदलाव आने की उम्मीद है? जितना माइंडसेट हम चेंज करते चले जाएंगे, जितना हम खुद को बदलते चले जाएंगे उतना जी। और मैम आप Tier 2, Tier 3 सिटीज़ में एमएसएमई में कितनी ग्रोथ देख रही हैं? ग्रोथ कंटिन्यूसली हो रही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी, मीडिया, डिजिटल लिटरेसी और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स काफ़ी अपना मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जो काम करना चाहता है वो तरीके ढूंढ लेता है, वो चैनलाइज कर लेता है। पर अभी Tier 2 या 3 या हम किसी भी सेक्टर, किसी भी शहर की बात करें, सिटीज़ की बात करें, सो वहाँ एमएसएमई के डेवलपमेंट के लिए हमें गवर्नमेंट सपोर्ट रिक्वायर्ड है। जो हमें चैलेंजेस आ रहे हैं, हमारी कॉन्स्टेंटली ये कोशिश रहती है कि गवर्नमेंट उसकी तरफ ध्यान दे, और जो करंट गवर्नमेंट है वो उसने कई प्रयास ऐसे किए भी हैं जिसकी वजह से काफ़ी बदलाव आ रहे हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ होना बाकी है, बहुत कुछ और होना बाकी है। मैम ऐसे ही मेरा एक सवाल ये है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस से बिजनेसेस में कितने बदलाव आए हैं पहले के मुकाबले और उसमें ग्रोथ कितनी हुई है? ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस ये टर्म ज़रूर है, लेकिन कितना ईज़ है फिर वही बात है, घुमा के क्वेश्चंस पूछते हैं। 3 Tier और 2 Tier सिटीज़ में क्या डेवलपमेंट हुआ है एमएसएमई में? सो, अगर कोई सहूलियतें मिलेंगी तो डेवलपमेंट होगा, जानकारी बढ़ेगी, नॉलेज बढ़ेगी तो डेवलपमेंट होगा, अगर ये नहीं होगा तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस भी नहीं आएगा। सो, कॉन्स्टेंट एक वर्क है, क्योंकि आज का समय बदल रहा है, टाइम बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, उसके साथ साथ अपने आप को अपग्रेड करते रहना बहुत ज़रूरी है। तो आपको क्या लगता है कि कितनी ज़्यादा अभी भी जागरूकता की ज़रूरत है एमएसएमई और एसएमई सेक्टर को? फिलहाल हमेशा रहेगी और चल रही है, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर में इतने सारे सेक्टर्स हैं, वैरायटी है, डाइवर्सिटी है, सो, कोई एक पॉलिसी किसी एक सेक्टर को ही कर सकती है, और उसमें भी कई चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि लेवल ऑफ यूनिट के एस्पेक्ट से कहीं पर आपको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होगी, कहीं पे आपको एनओसीज की ज़रूरत होगी। सो, अगर एक आज मैं एज अ वुमेन एंटरप्रेन्योर कोई फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने जाऊं, सो, मुझे तो कंप्लायंसेस और एनओसीज करते ही इतना समय निकल जाएगा कि महीना कब चला जाता है पता नहीं चलता है। सो, थोड़े और सुधार की ज़रूरत है। मैम एक आखिरी सवाल आपसे ये कि जो रूरल एरियाज़ हैं उनमें एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ तो बढ़ ही रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल हेल्थ है उसमें एमएसएमई कितना कारगर साबित हो रहा है? मैं आपको बता दूं, जितना अगर हमारा टोटल एमएसएमईज हैं उसमें विमेन की जो भागीदारी है उसका मेजर पोर्शन इस इन रूरल सेक्टर। रूरल सेक्टर में महिलाएं ज़्यादा काम कर रही हैं, ज़्यादा ग्रोथ है उनकी। इसमें हेल्थ के चैलेंजेस आते हैं, और जैसे हम अपने एसोसिएशंस के थ्रू भी टाइम टू टाइम कोई हमें सपोर्ट मिलता है, किसी एनजीओ का सपोर्ट मिलता है, गवर्नमेंट के किसी इनिशिएटिव का सपोर्ट मिलता है, तो हम कैंप्स लगवाते रहते हैं। आई चेकअप कैंप्स हो गया, कोविड के टाइम पे IIA ने बहुत एक्टिवली अपने सारे इंडस्ट्रियल एरिया में वैक्सीनेशन कैंप्स करवाए थे, और टाइम टू टाइम इस तरीके से हम लोग करते रहते हैं, हेल्थ के बारे में जानकारी पहुंचाते रहते हैं हमारे जो वर्कर्स हैं उन तक। ओके मैम, और आप हमारे जागरण बदलाव के लिए क्या कहना चाहेंगी, हमारी जागरण बदलाव की पहल के लिए? ये जो आपने इनिशिएटिव स्टार्ट किया है ये बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि मीडिया ही एक ऐसा, आजकल फ़ोन के साथ में ना ये एक्सेसिबिलिटी सबको है, लेकिन हमको क्या ढूंढना है और किस तरफ ढूंढना है ये नहीं पता है। हम माइंडलेसली
सिर्फ स्क्रॉल करते रहते हैं अपने मोबाइल को. सो आई थिंक मीडिया के थ्रू हम एक 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 राइट डायरेक्टिव डायरेक्शन में हम इस नॉलेज को हम शेयर कर सकते हैं कि किसी को एंटरप्रेन्योर बनना है, किसी को अपने बिजनेस को एक्सपेंशन करना है. सो क्या स्कीम्स उनके लिए सही हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, गवर्नमेंट जो इनिशिएटिव्स ले रही है, उद्यम सारथी पोर्टल है, निवेश मित्र पोर्टल है, अभी रिसेंटली युवा मित्र पोर्टल भी लॉन्च कर दिया गया है, जो और फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी जो सपोर्ट दे रहे हैं या जो अपने मार्केट प्लेस जो डेवलप करा रहा है गवर्नमेंट, उसके बारे में नॉलेज बहुत इम्पॉर्टेंट है. और आई थिंक मीडिया से ज़्यादा ताकत और किसी में नहीं है. एज एन एसोसिएशन हम भी एक लिमिटेड रीच रखते हैं, आपकी तरह अनलिमिटेड रीच के साथ में इन बातों को ज़्यादा अच्छे से फैलाया जा सकता है. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच.